हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यूजीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, जिसका वेट स्टूडेंट्स काफी टाइम से कर रहे थे। तो फाइनली यूजीसी ने वो डिसीजन ले ही लिया जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी के उस नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक, ताकि क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाए, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, सो गाइस चलिए देख लेते हैं हम लोग यूजीसी के नोटिफिकेशन को। बस आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हो, या फिर कोई आपके भाई बहन हो, तो सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाला है। सो आपका ये जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो गाइस ये देख सकते हो यूजीसी का लेटर, राइट, और ये रहा गाइडलाइंस। अब मैं आपको बता दूं कि ये गाइडलाइंस क्या है। तो गाइस अब यूजीसी ने ये डिसीजन ले लिया है कि अगर आप चाहे तो दो प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नोटिस रिलीज की गई है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है यूजीसी का, बिकॉज स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी फेस करना पड़ रहा था। बिकॉज जब आपको एक साथ दो प्रोग्राम करना होता था तो आपको वेट करना पड़ता था एक प्रोग्राम का खत्म होने का, तभी जाके आप दूसरा प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाते थे। बट अब आप सिमल्टेनियसली एक ही साथ दो प्रोग्राम को कर पाएंगे, उसके ऊपर ये नोटिस रिलीज किया गया है। इसमें बहुत सारे कंडीशन टर्म्स लगाए गए हैं जिसको आपको जाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट को जो कि गाइडलाइंस में बताया गया है। यहाँ पर की पॉइंट्स आपका यही है कि आप सेम यूनिवर्सिटी से या फिर अदर यूनिवर्सिटी से दो प्रोग्राम को एक ही साथ कर पाएंगे, मीन्स दो डिग्री एक साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइडलाइंस में पांच पॉइंट मेंशन किया गया, ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है, अगर स्टूडेंट्स चाहे तो दो प्रोग्राम को सेम टाइम कर सकते हैं रेगुलर मोड में। लाइक आपका बैचलर डिग्री का दो प्रोग्राम हो, वो आप रेगुलर मोड में कर सकते हो एक ही साथ, या फिर आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम हो, या फिर आपका डिप्लोमा डिग्री का प्रोग्राम हो, तो रेगुलर मोड में आप दोनों को एक साथ दो प्रोग्राम को कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप एक ही प्रोग्राम को एक साथ कर पाते थे, उसके बाद जब वो प्रोग्राम एंड हो जाता था तभी आप दूसरा प्रोग्राम कर पाते थे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट अब हो गया है कि आप अगर चाहे तो दो प्रोग्राम को एक ही साथ सेम यूनिवर्सिटी से फिर या फिर अदर यूनिवर्सिटी से भी कर पाएंगे, राइट। बस उसके लिए एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपका दोनों डिग्री का जो दोनों प्रोग्राम का क्लासेस होगा तो उसका टाइमिंग ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मींस सेम टाइम नहीं होना चाहिए, देन उसके बाद आप दो डिग्री एक साथ रेगुलर मोड में कर सकते हो। एंड सेकंड और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आप चाहे तो एक डिग्री को फिजिकल मोड में, मींस रेगुलर मोड में, और दूसरे को ओपन डिस्टेंस लर्निंग, लाइक आपका जो इग्नू है वो ओपन डिस्टेंस ओडीएल मोड में प्रोग्राम को ऑफर करती है और ऑनलाइन मोड में भी करती है, तो अगर आप चाहे तो एक प्रोग्राम रेगुलर मोड में और एक प्रोग्राम को ओडीएल मोड में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एक प्रोग्राम को ओडीएल मोड में और एक प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में भी इग्नू प्रोग्राम को ऑफर करती है, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो दो प्रोग्राम को ओडीएल मोड में ही या दो प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में ही एक साथ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल गया है। चलिए मैं आपको इस पॉइंट को एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एक प्रोग्राम को कर रहे हो बैचलर ऑफ आर्ट, अगर आप कर रहे हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप बीकॉम जी भी कर लो, मीन्स दो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम आप एक साथ करो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम दिए गए हैं, दो प्रोग्राम अगर आप चाहो बैचलर डिग्री का या फिर मास्टर डिग्री का या फिर डिप्लोमा डिग्री का, तो आप एक साथ कर सकते हो। और नेक्स्ट थ्री और फोर पॉइंट पे आपको ये बताया गया है कि जो भी आप डिग्री या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम करोगे वो सभी प्रोग्राम यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन लगाया गया है। और नेक्स्ट फाइव और पॉइंट में आपको ये बताया गया है, यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये गाइडलाइंस जो जारी किया गया है यूजीसी के तरफ से, ये उस दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा यूजीसी के थ्रू। एंड मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के तरफ से 13 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो 13 अप्रैल 2022 से यहाँ पर जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं सभी को अलाउ कर दिया जाएगा, राइट। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स ने 13 अप्रैल 2022 से पहले अगर अपना दो डिग्री एक साथ किया होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा,
यहाँ पर बताया गया है। बट मैं आपको एक बात ये बता दूं कि UGC के तरफ से 2020 में ये नोटिफिकेशन रिलीज करके बताया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे तो एक रेगुलर मोड में और एक डिस्टेंस मोड में अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है तो उसमें तो UGC ने इस बारे में मेंशन नहीं किया है, मैंने 2020 में ऐसा बोला था। बट अगर जो स्टूडेंट्स ने 2020 में ऐसा किया होगा, एक प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में और एक प्रोग्राम रेगुलर मोड में, अगर वो सभी स्टूडेंट्स मिलके अगर UGC को मेल करें तो UGC इस पर एक्शन जरूर लेगी। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि ये सभी पॉइंट को तभी वैलिड माना जाएगा जब आप 13 अप्रैल 2022 के बाद इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो, राइट। सो गाइस, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत राहत की बात हो गई है कि स्टूडेंट चाहे तो कम टाइम में अपना 2 डिग्री कर पाएंगे एक ही साथ। और मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर में कि मान लो अगर आप अपना एक प्रोग्राम कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक प्रोग्राम अगर आप चाह रहे हो कि इग्नू से मैं कर लूं तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बैचलर डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि अदर कोई बैचलर डिग्री का प्रोग्राम मैं इग्नू से कर लूं तो आप कर पाओगे। या फिर कोई भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि बीटेक कर रहे होंगे, मींस इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, अगर वो चाहते हैं कि मैं बैचलर ऑफ आर्ट या फिर जो भी प्रोग्राम बैचलर डिग्री का कर लूं इग्नू से तो वो अब कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके आई है स्टूडेंट्स के लिए। फाइन, तो ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये सब था आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड ये वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।